अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी ओवरहीट क्यों होती है और आपको इसका हल भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, क्योंकि जब गाड़ी ओवरहीट होती है तो गाड़ी का बहुत सारा नुकसान हो सकता है और जिससे आपके पैसे भी ज़ाया हो सकते हैं। तो इसलिए आपको इससे बचने के लिए आपको मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, आपके तआवुन का शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, गाड़ी ओवरहीट होने की बहुत सी वजूहात हैं। मसलन, अगर खुदा ना खास्ता आप कभी गाड़ी का जो है पानी वो पूरा करते हो, और ये जो कैप देख रहे हैं, अगर आप ये कैप भी लगाना भूल जाएं, ये देखें, आपने पानी चेंज किया और कैप लगाना भूल गए, तो 10-15 मिनट के बाद गाड़ी हीट हो जाएगी और गाड़ी का इंजन भी सीज हो सकता है, या फिर अगर आपने नोटिस जल्दी ले लिया तो फिर आपका कम नुकसान होगा। तो फ्रेंड्स, गाड़ी हीट होने की एक तो ये भी वजह है, बिल्कुल मामूली वजह है, कि अगर आप रेडिएटर का जो ढक्कन है अगर वो भूल जाएं तो साफ ज़ाहिर है पानी ज़ाया हो जाएगा और गाड़ी ओवर हीट हो जाएगी। और उसके बाद ये जो पाइप देख रहे हैं आप, ये यहाँ से भी पानी लीक होता है। आपने ये तसल्ली से चेक करना है पाइप कि यहाँ से पानी लीक तो नहीं हो रहा। और उसके बाद जो ये वाटर पंप होता है, ये है वाटर पंप, अगर ये भी ख़राब हो तब भी गाड़ी ओवर हीट हो जाती है। और ये रेडिएटर है, अगर रेडिएटर भी पानी की सप्लाई जो है सही तरह से ना कर रहा हो और इसकी कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो, अंदर से जंग लगा हुआ, तब भी गाड़ी ओवरहीट होती है। और भी वजूहात हैं। मसलन, अगर आपकी गाड़ी का जो ऑयल है, अगर आपकी गाड़ी का ऑयल कम है तो भी गाड़ी ओवरहीट होगी, या फिर अगर आपकी गाड़ी का जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा चल चुका है तब भी आपकी गाड़ी ओवरहीट होगी। आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि गाड़ी को कभी ओवरहीट ना होने दें, जिससे आपका जो है ना बहुत सारा नुकसान होगा, आपके पैसे ज़ाया होंगे, खामखा आपके पैसे ज़ाया होंगे। तो आप ऐसा करें, जब भी आप गाड़ी ड्राइव करें लाजमी टेम्परेचर गेज को देख लिया करें, जो हीट वाली सुई है उसे देखा करें लाजमी। तो अगर वो आगे बढ़ रही है तो गाड़ी को रोक लें और गाड़ी की जो है ना गाड़ी चेक करें, कहीं से पानी तो लीक नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स, जब गाड़ी मुकम्मल तौर पर ओवरहीट हो जाती है तो बहुत सारे ये नुकसान कर देती है, इंजन में जो इंजन के जो रिंग हैं वो भी ओवरहीट होने की वजह से घिस जाते हैं, पिस्टन भी नुकसान आ जाता है, और जो हेड ब्लॉक हैं इसके अंदर उन पर भी बहुत सा असर पड़ता है। तो मतलब आपका पूरा इंजन भी सीज हो सकता है, या फिर जो इसके अंदर सीलें होती हैं वो भी लीक हो सकती हैं, जैसा हेड गैस्केट हो गई। रेडिएटर में हमेशा कूलेंट इस्तेमाल करना है, उसका ये फ़ायदा है कि एक तो जो रेडिएटर है इसके अंदर जंग भी नहीं लगता और गाड़ी जो है ना कूल रहती है, ठंडी रहती है गाड़ी। तो फ्रेंड्स, अगर ये रेडिएटर वाला फ़ैन भी चलना बंद हो जाए तो गाड़ी तब भी ओवरहीट हो जाती है। तो गाड़ी जब ओवरहीट हो तो तब आपने नोटिस करना है कि ये फ़ैन चल रहा है या नहीं चल रहा, ये पानी कहीं से लीक तो नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी कभी ओवरहीट हो भी जाती है तो ये रेडिएटर वाला ये ढक्कन है ये फ़ौरन ना खोलें, बल्कि आप 10-15 मिनट गाड़ी को ठंडा होने दें और फिर इस कैप पर कपड़ा रख के फिर इसको खोलें। तो अगर आप ऐसे डायरेक्ट खोलेंगे तो ये बहुत प्रेशर से पानी बाहर आएगा और बहुत ज़्यादा गर्म होगा, जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो फ्रेंड्स, गाड़ी या सर्दियों या गर्मी हो गाड़ी हीट हो सकती है, अगर आपसे किसी किस्म की लापरवाही हुई तो गाड़ी ज़रूर हीट होगी। तो आप गाड़ी में हमेशा कूलेंट इस्तेमाल करें, जो रेडिएटर को अंदर से क्लीन रखता है और गाड़ी को भी ठंडा रखता है, तो मतलब रेडिएटर की लाइफ बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, आपके तआवुन का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।